फ्रेंड्स नमस्ते, आइए आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल कल्पना फूड चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ये अनारदाने की गोली। अनारदाना बहुत ही हेल्दी होता है और इसे जो मैं बनाऊँगी थोड़ा मतलब जीरे के साथ बहुत सारा इसमें मैं मसाला डाल के बनाऊँगी, जो कि ये सेहत से भी भरपूर बनेगा और ये हाजमे गैस्ट्रिक बदहजमी मतलब पेट की सारी बीमारियों के लिए अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अनारदाना का गोली बनाना। अनारदाना की गोली बनाने के लिए मैं ली हूँ ये सूखा हुआ अदरक है, जिसे मैं घर में ही सुखा ली हूँ अच्छे से, और ये सौंफ है, ये जीरा है और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। तो ये मैं ली हूँ एक स्पून, ये दो स्पून है और ये भी मतलब मेरा वन से हाफ स्पून, डेढ़ स्पून है, ये भी डेढ़ स्पून है। तो चलिए इसे सबसे पहले मैं रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करने के लिए मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ और कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ अच्छे से। अब इसमें मैं सभी चीज़ों को डाल देती हूँ इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, मुझे धीरे धीरे इसे रोस्ट करके हुए भूनना है। बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो वो जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है। बिल्कुल मैं देखिए एकदम लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे रोस्ट कर रही हूँ। ये धीरे धीरे जब रोस्ट होने लगते हैं तो धीरे धीरे फटने लगते हैं, तो समझ में आ जाता है ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो इस बाउल में मैं निकाल लेती हूँ, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो गरम गरम अगर पीसेंगे तो इसमें मॉइस्चराइजर पकड़ लेती है तो ये नरम हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये मसाले ठंडे हो गए हैं तो अब इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये मिक्सर जार है और ये मिक्सर जार में सारा मैं डाल दी हूँ और इसे मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए ये मसाले इस तरीके से भून रहे हैं, पीस ली हूँ मैं इसे। देखिए ये मसाले इस तरीके से मैं इसे थोड़ा दरदरा ही रखी हूँ क्योंकि अभी इसमें मैं अनारदाना भी पीसूँगी। तो ये देखिए ये अनारदाना है, इसे भी मैं घर पे ही मतलब सुखा के अच्छे से रेडी कर ली हूँ और इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे पीस रही हूँ। अनारदाना आपको अगर घर पे नहीं बनाना है तो आप कोई भी पसारी की दुकान से आप इसे ले सकते हैं। अभी मैं इसे और थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। ये देखिए ये अनारदाना भी मैं इसमें ग्राइंड कर दी हूँ और ये मैं हाफ बाउल ली हूँ अमचूर पाउडर, इसे भी मैं इसमें डाल करके ही पीस लूँगी। ऐसे तो ये पिसा हुआ है फिर भी इसमें डालने से अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब इस बाउल में मैं सारा ये निकाल लूँगी। ये देखिए इसमें मैं ट्रांसफ़र कर ली हूँ बाउल में और इसी मिक्सर जार में मैं ये चीनी को पीस लूँगी, जो शुगर होता है वो। तो शुगर भी मैं इसमें 3 बड़े चम्मच ले ली हूँ और इसे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये शुगर भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ और ये शुगर भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये 3 बड़े चम्मच शुगर है। शुगर इसलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि अभी मैं इसे नींबू के रस से मिक्स करूँगी, अमचूर भी खट्टा होता है, इसलिए मैं इसमें शुगर ज़्यादा डाल रही हूँ। तो चलिए इसे मैं मिला देते हैं। अब ये शुगर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट भी हम डाल रहे हैं इसमें पूरा 1 स्पून भर के। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट भी डाल रही हूँ 1/2 स्पून इसमें। इसे सब चीज़ को अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। इसे अच्छे से सब चीज़ को मिला देंगे। मॉइस्चराइजर खुद पे खुद हो जाता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे नींबू के रस के साथ। तो नींबू का रस भी जो मैं ली हूँ थोड़ा हिसाब से ही डालना है, गीला नहीं करना है इसका, बिल्कुल टाइट डो बनाना है मुझे। तो देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ इस तरीके से कि कितना मैं इसका टाइट डो बनाई हूँ, देख सकते हैं आप। अब इसमें क्या करना है मुझे, हाथ में थोड़ा सा ये पाउडर शुगर लगा लीजिए अपने हाथों में और इसे
इस तरीके से छोटा छोटा ले करके और इसे बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे छोटा छोटा बना लेके इस पाउडर शुगर में मिला लेना है इस तरीके से, और ये बना के रखते जाना है। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ बना करके, ये देखिए इधर से मैं लपेट देती हूँ, इस तरीके से मैं बना के रखती जाऊंगी। कैसे ये अनारदाना की गोली मेरी बनके रेडी हो गई है, और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ, सच में बहुत अच्छा बना है। अब इसे मैं एक डब्बे में भर के रख देती हूँ, और ये इस तरीके से आप अगर गोली बना के रख देंगे तो सालों साल खराब नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे मैं डब्बे में भर लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैं इस डब्बे में भर के रख ली हूँ, और ये कितना सुंदर लग रहा है देखने से, और थोड़ा सा ये बच भी गया है। तो फ्रेंड्स मेरी ये अनारदाना की गोली की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, तो बोले हैं ना इसमें अनारदाना की गोली वाला में, हाँ उसमें वीडियो वाला में नहीं शायद, बोले हैं तुम्हारे फोन में देखें।